नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर तारीख नियत हो चुकी है और अप्रैल के महीने में ही इस तारीख पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। किसान काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही थी। जो कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं, वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर रही थी, तरह तरह के आरोप लगा रही थी। अब यह सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। कंपनियों को हैंड रिसीव सम्मन तामील करा दिए गए थे, सब ने अपना पक्ष रख दिया है। अब अंतिम बहस होगी इस मामले पर। कब होगी यह बहस और कब आएगा यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 64.7% अतिरिक्त मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट, आइए देखें पूरी रिपोर्ट जागो हिंदुस्तान। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसान काफी दिनों से 64.7% अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे थे। अधिकांश किसानों को यह अतिरिक्त मुआवजा मिल गया है, कुछ किसान इससे वंचित हैं, जिसका जिले भर के किसान विरोध कर रहे थे। किसान संगठन कई सालों से इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र की बड़ी बड़ी बिल्डर कंपनियां उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्णय को अवैध माना था, जिसके तहत किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। अब इस मामले में किसानों ने अपना पक्ष रख दिया है, यमुना विकास प्राधिकरण ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इस मामले में अब 22 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने तारीख नियत की है। इस 22 अप्रैल को 64.7% अतिरिक्त मुआवजे पर बड़ा निर्णय हो सकता है। किसानों की ओर से इस वाद की पैरोकारी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरत सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल को इस मामले पर निर्णय हो सकता है। इसी दिन अंतिम बहस होगी और जजमेंट आएगा। इसके बाद यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा मिलने की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। ये बार एयरपोर्ट फिल्म सिटी न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल वाजना, राया, मथुरा, अर्बन सेंटर सहित NCR के डेवलपमेंट और खास मुद्दों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।